मैं आज आपको पेडिक्योर का तरीका बताती हूँ, इतना फिट है कि हम घर में इजीली कर सकते हैं और व्हेनेवर यू गाइस वांटेड। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू ऑल आर फाइन। और आज जो है ना, ऐसा होता है ना कि रोज कुछ ना कुछ विंटर आ रहे हैं तो हमारी स्किन भी बहुत ड्राई हो रही है और फीट वगैरह सारे। मैं आपको चीजें दिखाती हूँ कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हमने 10 रुपीज वाली जो है ना ये ब्लीच पाउडर ले लेना है, लेकिन इसको मैं ब्लीच नहीं करूंगी अपने पाओं में, मैं भी आपको बताती हूँ कि क्या तरीका है, ठीक है। और ये 50 रुपीज की वैसलीन आपको कहीं से भी मिल जाएगी, मैंने कोको वाली ली है क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना आप पेडिक्योर किट ले लें, ठीक है। ये मुझे मिली है 645 की, ये मैंने ली है। इसमें देखिए नेल कटर भी है, बफर भी है, ये जो है ना सारे नेल्स को अलग करने के लिए फिंगर्स को, और ये ब्रश भी इसका है, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। क्यूटिकल्स को रिमूव करने के लिए ये वाला भी इसके अंदर है। तो आप अलग अलग लेते तो आपको पता है 145-150 का होता है, ये आपको 645 में पूरा मिल गया। अब ये मैंने ले लिया है, और ये जो है ना हम लोगों ने नेल्स को आपको पता है कि ब्रश करने के लिए ना, बफ करने के लिए, इसमें ये होता है कि नेल्स में शाइन आ जाती है, तो ये भी ले लिया है। हर चीज घर में अवेलेबल हो गई है। हाँ जी, हम पार्लर जाते हैं तो क्या करते हैं, 1000 रुपए का जाके लेके आ जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि इसमें हम इजीली व्हेनेवर हफ्ते में एक बार करें, हर हफ्ते आप लोग कर सकते हैं पेडिक्योर। अब जी हमें गरम गरम पानी लेना है, और मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताती हूँ, उसके साथ साथ हम करते जाते हैं, ठीक है। ऐसे करना है कि पानी अगर बॉयल, अगर आप लोगों का गीजर नहीं चल रहा तो गीजर वाला पानी डाल रहे हैं, गरम गरम जो पानी होगा ना वो वाला हमने जो है इसमें लेना है। एक टब ले लिया है, ठीक है, और मैंने काफी ये देखे इसमें जो है मैंने भर लिया है, बिल्कुल जो गर्म पानी था ना सारा वो इसके अंदर मैंने किया है, काफी ज्यादा है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। अब ये टब लेने, मेरे पास बहुत बड़ा टब था, वैसे हम छोटा टब भी ले सकते हैं, तो अब इसको चलते हैं देखिए आ जाओ। अच्छा, तो अब जो है ना पहले मैं क्लिनजर, कोई भी क्लिनजिंग मिल्क आप ले सकते हैं, मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैं अभी इसको लूंगी, ठीक है। थोड़ा सा ले ले, इतना सा कि हमने पहले दोनों पाओं के मसाज करना है थोड़ा सा। अच्छा, अब जो है ना मैं ये देखिए पाओं को मसाज कर रही हूँ, आप लोग अपने पाओं को खुद ही, खुद करना तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, पहले पहले हमने नीचे भी सारा कर लेना है, और सारा जो है ना इस तरह से फिंगर्स पे अच्छे से मसाज कर लेना है, क्योंकि ये मॉइस्चराइज हो जाएगा ना तो जितनी भी डस्ट वगैरह होगी वो सारी इसकी रिमूव हो जाएगी। 3 मिनट्स के लिए इसको मसाज करना है। अब जो है ना ये देखिए मैंने पाउंड डिप कर ली, और ये जो है ना 15 मिनट्स के लिए डिप हुए रहेंगे। 15 मिनट्स के बाद जो है ना मैं इसको वॉश करूंगी, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं करना कि जल जाए, लेकिन इतना हो कि इससे जो है ना आपकी डस्ट जो होगी वो रिमूव होगी, जितनी भी डेड स्किन है वो सारी रिमूव होगी, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा, हर कोई कहता है कि विंटर में हमारे पाँव सफेद सफेद नजर आ रहे होते, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा, अब जो है ना मैं आपको जो है ना ये करके दिखाती हूँ, ये बहुत हार्ड है। सबसे पहले हम लोग जो है ना इधर से ये कर लेंगे, ये गर्म पानी में इसलिए ऐड करते हैं कि ये जितनी भी होती है ना ये सॉफ्ट हो जाती है डेड स्किन, तो इससे सारी रिमूव भी हो जाती है। और शैम्पू इसलिए लगाते हैं, सिरका वगैरह के, इससे जो ना शाइन और ग्लो करते हैं। ये पहले जो ना काफी डार्क कलर की थी, और अब ये सारी साफ हो गई है। इधर से भी हम कर सकते हैं इसकी बैक पे। इसको यूज करने के बाद जो है ना, जो ये वाला मैंने आपको ब्रश दिखाया था, ये वाला ब्रश, इसको जो है ना मैं सारे नेल्स पे और पूरी जो है ना इस पे, पूरे फुट पे जो है ना ये देखें, ये फोमी फोमी भी हो रहा है इस तरह से, और इससे ये नीट हो जाएगा। मामा इज डूइंग पेडिक्योर। अभी जो इसका नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि हम लोगों ने इसका, इसके साथ जो ना अभी मैं स्क्रब करती हूँ, फिर इसके अंदर वो करूंगी, और फिर न्यू पानी ऐड करूंगी। अच्छा, अब जो है ना ये गोल्डन स्क्रब है, ठीक है, मैं ये करूंगी क्योंकि पाओ की तो हमने क्लीनिंग कर ली है। स्क्रब से ये होता है कि डेड स्किन जो है ना सारी रिमूव हो जाती है। ये इतना सा लेना है, ठीक है, और अब ये देखिए इससे सारी डेड स्किन जितनी भी होगी ना वो सारी रिमूव हो जाएगी। फिर से जो ना हम लोग नेल्स कट कर लेते हैं, ये देखिए ये सारी जितनी भी डेड स्किन है ये सारी रिमूव हो रही है। मामा ओपन आउट, वेट, अब इसकी देखते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही पेडिक्योर कराया था तो इसलिए मेरी ज्यादा डेड स्किन नहीं आ रही, लेकिन इससे डेड स्किन सारी रिमूव हो जाएगी। और इसका ये फायदा है, जब मर्जी आप लोग अपने घर में इसको कर लें, अगर नेल पेंट लगाना हो तो अभी हम नेल पेंट लगा लेंगे और ये साथ साथ कर लेंगे। ये रिमूव हो गई है, इसे हम फाइल कर लेते हैं अपने नेल्स को, जो भी शेप देनी है, अगर आप स्क्वायर में रखते हैं या जिसमें भी रखते हैं, तो इनके ऊपर जब हम बफ करेंगे ना तो इसमें शाइन आ जाएगा। ये देखें, ये नेल के ऊपर फुल शाइन लेके आ जाएगा, ऐसे लगेगा कि हमने कुछ जो है ना लगाया हुआ है नेल्स के ऊपर, शाइन आ गई है। अब इसमें नहीं है, इसमें शाइन है। अब आप मामा की करो। हाँ जी, ये जी छोटी सी है, छोटी सी आयमा। नो 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 नो, दिस इज नॉट,
बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, साथ साथ जो मदर करी है उसके साथ साथ करी है। अच्छा अब जो लास्ट स्टेप है वो ये कि हम लोगों ने वैसलीन लगा लेनी है पाओं के ऊपर। ठीक है ये देखें मैं इतनी सी वैसलीन ले ली हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी। ये देखें ये मैं वैसलीन लगा के पाओं पे, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने पहन लेनी है सॉक्स। अच्छा एंड में जाना अगर आपने कोई नेल पेंट लगाना है तो ये लगा ले, अगर फ्रेंच नेल करने हैं तो वो कर ले, मेरे पास फ्रेंच नेल नहीं थे। हाँ जी तो फाइनली मैंने जो है ना अपना पेडिक्योर कर लिया। अब आप ये देखेंगे ये सारी चीजें घर में अवेलेबल होती हैं और इजीली जो है ना हम लोग कर सकते हैं। और देखें मुझे मैक्सिमम हाफ एन आवर लगा है, हर वीक में कर सकती हूँ। अब जो लास्ट स्टेप होगा ना अभी मैंने किया नहीं है, लास्ट ही होगा कि जब ये ड्राई हो जाएगी ना नेल पॉलिश तो मैं इसके ऊपर जो है ना सॉक्स पहन लूंगी। घंटे के लिए पहन लें, दो घंटे के लिए पहन लें, लेकिन सॉक्स जरूर पहने क्योंकि सॉक्स से जो है ना और वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जिनके ड्राई बहुत ज्यादा होते हैं तो ये बहुत परफेक्ट टोटका है। सब लोग कर सकते हैं जी, आप लोग घर में एक दफा ये चीजें ले लें पर, मतलब अब देखे ना मैंने ब्रश चीजें वगैरह वो 600 की किट लिए तो थ्रू आउट वो मेरी चलेंगे जब तक वो टूटेंगी नहीं है कुछ भी। तो मैं हर वीक अपने घर पे पेडिक्योर कर सकती हूँ, सैलॉन जाने की जरूरत नहीं है। सैलॉन भी जा सकते हैं अगर जाना है तो, लेकिन ये कि घर में वेन एवर यू गाइज वॉन्टेड आप लोग करें बहुत अच्छे से पेडिक्योर। तो मैंने आपको विंटर में ही आपने जरूर करना है, वैसलीन लगानी है और ये सारा किया है। मैंने इसलिए ब्लीच नहीं की थी, कुछ लोगों को होता था कि ब्लीच से ब्लीच पाउडर जो है ना मैंने ऐड किया था उसमें तो मुझे बहुत हो रहा था। ये वाला जो है ना इसलिए ऐसा है कि अब देखे ना हर हफ्ते तो हम लोग ब्लीच नहीं कर सकते पाओं पे, तो इस तरह से ये है कि ब्लीचिंग पाउडर हम उस पर डाल देंगे तो वो हमारा स्किन वैसे गोरा कर देगी। होपफुली आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखेगा। आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।